एमपी के हरदा में भारत सरकार के पशु चिकित्सा व डेयरी बोर्ड तथा जीव जंतु कल्याण बोर्ड सहित राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सदस्य राम रघुवंशी ने बताया कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे युवा मनाते हैं। वहीं जिसको लेकर बोर्ड ने ये आदेश पारित किया है कि सभी युवा गौशाला या गौ माता के पास जाकर वैलेंटाइन डे को काउ हग डे के रूप में मनाएं। आज युवा अपने परिवार के साथ गौशाला जाकर गौ माता का पूजन करें और वहां रहकर उन्हें एनर्जी व संस्कृति के साथ साथ अच्छे संस्कार मिलेंगे, जिससे अच्छा संदेश देश में पहुंचेगा। एमपी में नहीं है, पूरे देश में उड़ गई है ये वाली बात, और बोर्ड की तरफ से इसका पत्र भी पूरे देश भर में हमने जारी कराया है। ये बहुत अच्छी चीज है। मानते हैं 14 फरवरी को प्रेम का डे मानते हैं, प्रेम का प्रतीक लोग मानते हैं। युवा हमारे जाते हैं तो युवाओं को यदि प्रेम की करने का कोई स्थान को चेंज करना है तो हमने उनको सलाह दी है कि आप गाय के पास जाइए, गाय के पास रहिए, पॉजिटिव एनर्जी गाय से मिलती है और अच्छे संस्कार आपको आएंगे। और परिवार से वहां जाएं तो एक इस प्रकार से गाय के प्रति लोगों का प्रेम भी बढ़ेगा और संस्कृति में भी हमारा उसका बड़ा योगदान है गाय के महत्व को लेकर। उससे भी संस्कार कहीं ना कहीं अच्छे जाएंगे, सुधरेंगे, चीजें अच्छी होंगी। क्या इस बार 14 फरवरी से देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं भी रहूंगा 14 फरवरी में। मैं अपने विदिशा का चूंकि मैं रहने वाला हूं तो काफी युवाओं के साथ पूरी परिवार के साथ मैं भी 14 फरवरी को पहली बार मनाऊंगा। अभी तक मैंने कभी मनाया नहीं है लेकिन ये दिवस मैं मनाऊंगा जरूर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।